हाय गाइस, वेलकम टू मौसमी किचन। मौसमी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं फराली क्रिस्पी आलू चाट बनाऊंगी, जिसे आप व्रत में इजीली बना सकते हैं और सभी को खिला सकते हैं। तो नए व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आसान तरीके से उपवास की इस रेसिपी को बनाते हैं। मैंने यहाँ दो उबले आलू लिए हैं, जिनके छिलके को छील लेनी है हमें। मैंने दो छिलके को निकाल ली है आलूओं से। अब इन्हें छोटे पीसेस में काट लेनी है हमें। आप चाहे तो कच्चे आलू भी ले सकते हैं, लेकिन उबले आलू को फ्राई करने पर टेस्ट अलग ही आती है। कटे हुए पीसेस को एक साइड में रख दें हम। तो अब इनको छोटे टुकड़ों में काट लें। क्वारंटाइन है तो हम सबको घर में जो भी है उसी से ही उपवास की डिशेस को बनाएं। सारे पीसेस को काट लिए हैं मैंने, इन्हें थोड़ी बड़ी साइज में ही रखी है। गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दी है मैंने। अब एक टेबलस्पून घी डालूंगी। उपवास की डिशेस में घी की फ्लेवर ही सभी को खींच लाती है। घी गल चुकी है तो कटे हुए उबले आलूओं को दे देनी है हमें। अब फ्लेम को धीमी करके 3 मिनट तक चला लें। जब तक कि ना थोड़ी पक जाए तब तक चला लेनी है हमें। अब आंच को बढ़ा दें और करारी हो जाए तब तक पका लेनी है। तो बस अब ये कुक हो चुकी हैं। सिर्फ घी में ही पकाई है मैंने, फिर भी देखिए कलर कितनी बढ़िया आई है। तो इसे नीचे उतार लेनी है अब। मैंने यहाँ आधी कप दही ली है, करीबन 50 ग्राम। अब इसी में ही 2 टेबलस्पून चीनी डालूंगी। अब अच्छे से चीनी को मिक्स कर लें ताकि दही में चीनी घुल जाए। मैं तो ये व्रत में बना रही हूँ इसलिए मसाले नहीं डाले। आप चाहें तो अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं। कम मसाले यूज करके टेस्ट लाना ही मेरी हॉबी है। फ्राई किए आलू को एक पिट में ले ली है मैंने। अब घुले हुए दही को ऊपर से दे दूंगी। अब स्वाद अनुसार सेंधा नमक को छिड़क दूंगी ऊपर से, करीबन 1/2 टीस्पून। भुने हुए जीरे के पाउडर को भी ऊपर से दे दूंगी, करीबन 1 टीस्पून। किसी भी चाट में भुनी हुई जीरे की स्मेल बढ़िया आती है। ऊपर से लाल मिर्च के पाउडर को भी दे दूंगी, करीबन 1/2 टीस्पून। अब थोड़े अनार के दाने को भी दे दूंगी। नवरात्रि में जितना फ्रूट्स खा सके उतनी ही सेहत के लिए बेहतर है। अब एक पुदीने के पत्ते को सजा दूंगी ऊपर से। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और कम समय में हमारी उपवास की रेसिपी हाजिर है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। फराली क्रिस्पी आलू चाट बनकर रेडी है। तो बस अब खाने की जल्दी है। तो आप भी क्वारंटाइन में उपवास की इस रेसिपी को बनाइए और सभी को खिलाइए। मेरी आसान तरीके से बनी व्रत की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपने व्यूज कमेंट कीजिए। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नई इजी और हेल्दी रेसिपीज लेकर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।